Hello students, good evening to all of you. So I am going to solve one of the problem from JEE 2012 kinematics. So here a boy can throw stone up to a maximum height of 10 meter. एक boy जो है maximum height 10 meter तक एक ball को throw कर सकता है और हमसे पूछा जा रहा है the maximum horizontal distance that a boy can throw the same stone up to will be. तो maximum horizontal उसको कितना आगे फेंक सकता है, जिसे वो maximum height 10 meter तक फेंक सकता है उसे वो maximum आगे तक horizontally कितना फेंक सकता है वो हमसे पूछा जा रहा है. सो जब भी हम मैक्सिमम हाइट तक वो कितना फेंकेगा उसके लिए जो रिलेशन यूज़ करते हैं दैट इज़ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस देयर. सो यहाँ पर जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा तो वेलोसिटी इज़ जीरो एंड लेट सपोज उसने हमने उसे यू स्क्वायर वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था एंड जी इज़ द एसेलेरेशन. सो वी यूज माइनस जी देयर बिकॉज वी टुक अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव. सो जी इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड. सो वी टुक साइन ऑफ जी एज माइनस जी. सो लेट सपोज वो एस ऊपर तक गया है. सो यहाँ से जो s का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स इट इज़ सिंपली लाइक s इज इक्वल टू यू स्क्वेयर अपॉन टू जी. तो हमारे पास s का वैल्यू है s इज इक्वल टू यू स्क्वेयर अपॉन टू जी एंड ये हमारे पास गिवन दे के रखा है कि वो मैक्सिमम हाइट जो अचीव कर रहा है वो है 10 मीटर देयर. सो इसे हम नोट कर लेंगे. अब नाउ हमसे पूछा गया है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. सो यानी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मीन्स हमसे r मैक्सिमम पूछा गया है और r मैक्स मीन्स जब हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं एट थीटा 45 डिग्री पर मींस फॉर्मूला है यू स्क्वेयर साइन टू थीटा. सो थीटा इज़ 45 अपॉन जी. सो यू स्क्वेयर साइन टू थीटा साइन 90 इज़ वन स्टूडेंट. सो मैक्सिमम रेंज होता है यू स्क्वेयर अपॉन जी. सो एज हमने इक्वेशन वन में लिख के रखा है कि यू स्क्वेयर अपॉन टू जी का जो वैल्यू है वो 10 है तो ऑब्वियसली यू स्क्वेयर अपॉन जी का वैल्यू 20 होगा बिकॉज यू स्क्वेयर अपॉन टू जी इज 10. सो ऑब्वियसली यू स्क्वेयर अपॉन जी इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि 20 मीटर्स. तो मैक्सिमम जो उसे वो है वो 20 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक थ्रो कर सकता है. तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. थैंक यू.